जय हिंद दोस्तों, बंदे मातरम। जवान आलम शेर खान के घर पिछले 3 दिनों से चूल्हा नहीं जल रहा। परिजनों के चित्कार से गांव में गम और गुस्से का माहौल है। पिछले 3 दिनों से सिक्किम में शहीद गाजीपुर जामिया का लाल शहीद आलम शेर खान का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव नहीं पहुंचा। गाजीपुर के लाल जवान आलम शेर खान का पार्थिव देह देर शाम वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचा। शव को लेकर 39 जीटीसी के जवान गाजीपुर के नक्सर स्थित जवान के पैतृक गांव आज सुबह रवाना हुए। जवान की मौत बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान गश खाकर गिरने के बाद मिलिट्री अस्पताल में हुई थी। शहीद के परिजन शव के लिए पिछले 3 दिनों से इंतजार कर रहे। चौथे दिन रात में शव वाराणसी पहुंचा। वाराणसी एयरपोर्ट शव लेने आए परिजनों ने बताया कि शहीद जवान आलम शेर खान पूर्वोत्तर राज्य असम में 8 राजपुताना राइफल में हवलदार के पद पर तैनात थे। उन्होंने बताया कि 5 दिन पहले ड्यूटी के दौरान आलम शेर खान गश्त खाकर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें सेक्टर कमान के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जवान आलम शेर खान की मौत 4 दिन पहले इलाज के दौरान हुई थी। इस बाबत हमें सेंटर कमान से सूचना दी गई थी। हम सभी पिछले 3 दिनों से शव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शव आज चौथे दिन रात में पहुंचा। अब सुबह घर के लिए रवाना होगा। 2002 में आर्मी में भर्ती हुए थे आलम शेर खान। परिजनों ने बताया कि आलम शेर खान पिछले 20 सालों से देश की रक्षा कर रहे थे। साल 2002 में आलम शेर खान सेना में भर्ती हुए थे। उनकी पत्नी और 2 बेटे सहजेब और साकिब और बेटी सिमरन नानी के यहाँ प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करते हैं। आज शाम तक शहीद जवान आलम शेर खान का पार्थिव देह उनके पैतृक गाँव पहुँचेगा। इसके बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ नक्सर स्थित जवान के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से शहीद शेर खान को सत सत नमन करता हूं, और मैं नमन करता हूं उन माओं का जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया, जो हंसते हंसते अपने देश के लिए बलिदान हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।